वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से चार दिन पहले 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र का विमोचन कर उन्होंने कहा है कि भाजपा का रिकॉर्ड है, ये सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं, ये हमारा संकल्प है। इसलिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया। और अमित शाह ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने विकास किया है, छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य बनाने का दावा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभनपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर जमकर हमला बोल रहे हैं। खड़गे ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया, अगर हमने 70 साल में कुछ भी नहीं किया तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते। हमने इस देश के संविधान को बचाया और इसलिए आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा के पक्ष में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंडरिया विधानसभा के रणवीरपुर ग्राम में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता को चुनाव में हिस्सा लेना है और आप सभी जब वोट देने जाएं तो किसी विधायक को चुनने या विधायक को मंत्री बनाने के लिए वोट ना करें। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए होना चाहिए। आपका वोट नक्सलवाद को खत्म करने और आदिवासी क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए होना चाहिए। बिलासपुर की बेटी शिल्पी ने अपने और अपनी बेटी के अधिकार के लिए 5 साल कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट से अब जाकर राहत मिली है। शिल्पी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुर की दिल्ली स्थित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की 6 दुकानों को बेचकर मिलने वाली संपत्ति को शिल्पी के नाम FD कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।